अभी हम इसको खोलेंगे और अंदर से जो भी चीज निकलेगी उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। वार्निंग, 1 2। Assalamualaikum everyone, मैं हूं आपका अपना वलीद मलिक। आज तक आप लोगों ने मुझे खबरों की तो बहुत सी वीडियोस बनाते हुए देखा होगा, लेकिन ये मेरी जिंदगी का पहला व्लॉग है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और बहुत इंजॉय कीजिएगा। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मेरे पास कुछ व्लॉग बनाने के लिए था नहीं, क्योंकि मैं एक बिगनर हूँ और बिगनर ये चीज बहुत कंफ्यूज करती है कि यार मैं किस चीज पे व्लॉग बनाऊं। लोग तो मुझे कह रहे हैं कि तुम व्लॉगर बन जाओ, लेकिन किस चीज से स्टार्ट किया जाए। तो मेरे पास एक बहुत मजे की चीज है आप सबको दिखाने के लिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोगों को आइए वो चीज दिखाता हूँ। ये घर है, गेस कीजिए कि इस घर के अंदर क्या चीज है। वैसे आप लोगों को वीडियो का टाइटल देखकर पता तो चल गया होगा कि इस घर के अंदर क्या चीज है, लेकिन आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस घर के अंदर क्या चीज है। अभी हम इसको खोलेंगे और अंदर से जो भी चीज निकलेगी उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। वार्निंग, 1 2। खुल नहीं रहा यार। 1 2 3। इसका नाम है कोको। ये हमारी कोको। अब जो चीज दिखानी थी वो आप लोगों को कोको नहीं है, जो आप लोगों को दिखाना है वो है ये प्यारे से पपीज जो कोको ने दिए हैं। ये कोको इसके पपी हैं, कोको के पपी हैं। ये हमारी कोको है। कोको, गुड, से हाय टू एवरीवन। गुड। और ये कोको के प्यारे प्यारे पपीज। आप लोगों ने मेरा एक काम करना है, काम आप लोगों ने मेरा ये करना है कि ये इतने ज्यादा पपीज हैं, अब इन सब के नाम मैं डिसाइड नहीं कर सकता, मैं एक अकेला इंसान किस किस पपी के नाम डिसाइड करूंगा। आप लोगों ने मुझे इन पपीज के नाम सजेस्ट करने हैं। कमेंट में बताना है कि इन पपीज के नाम क्या रखे जाए, ठीक है, मुझे जरूर बताना। ये जो है कोको, कम हियर, इसका नाम है कोको। ये बहुत शैतान है क्योंकि ये फीमेल है। जर्मन शेफर्ड में जो फीमेल होती है वो वैसे ही बहुत शैतान होती है। क्यों कोको, सही बोल रहा हूँ ना? अब ये देखें, ये इसके लिए नई चीज है कि मेरे मालिक को आज क्या हो गया है, कैमरा हाथ में पकड़ा है और छत के ऊपर आ गया और मेरी वीडियोस बना रहा है। इसको खैरियत तो है, लेकिन कोको को क्या पता कि इसका जो ऑनर है वलीद, उसने व्लॉग्स शुरू कर दिए। अच्छा, ये जो पपी है ना कोको का, ये मेरा फेवरेट पपी है। इसका नाम मैंने रखा है पाब्लो। इसके अलावा बाकी जो सब है उन सब का आप नाम रख सकते हैं, लेकिन इसका नाम मैंने रख दिया है, इसका नाम है पाब्लो। क्यों कोको? अभी आप देखें, इसको जब मैं हाथ में पकड़ता हूँ कोको देखती है तो कोको जंपे मारती है कि मेरा बच्चा मुझे वापस दे, लेकिन कोको ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, आई वोंट गोना गिव यू बैक। ओ, माइक गिरा दिया कोको ने मेरा। अभी पहले माइक को सेट करते हैं, फिर आगे व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो माइक मैंने दोबारा वापसी सेट कर ली है। आपको मैं दिखा रहा था कोको का ये प्यारा सा बच्चा। ये कोको का प्यारा सा बच्चा, इसकी आंखें भी खुल चुकी हैं। इनकी उम्र अभी 15 दिन है, जब ये 22-30 डेज के हो जाएंगे तो ये चलना शुरू हो जाएंगे और भागना शुरू हो जाएंगे। कोको दोबारा माइक मेरा ख़राब करने लगी है, क्योंकि ये इधर अंदर घुसा ही है और मेरा माइक टूट जाएगा मुझे लगता है अगर मैंने 1-2 व्लॉग्स इधर और बनाए ऊपर, क्योंकि आप देख सकते हैं इसे, ये मेरे माइक की जो तार है वो गेम लग रही है। इसके गेम के चक्करों में मेरा माइक टूट जाएगा। जिस गरीब ने पहले ही 400-500 रुपये का ये कॉलर माइक खरीदा है उसको भी ये कोको तोड़ने के चक्करों में है। खैर नाज़रीन, मैं रहता इस्लामाबाद में हूँ। ये मेरे घर का व्यू है। आप लोग भी कह रहे होंगे कि ये मरी में खड़ा हुआ है, लेकिन इट्स नॉट मरी। ये मेरे पीछे मार्गला हिल्स है और ये मेरा घर है, वो पीछे मार्गला हिल्स है। खूबसूरत व्यू है, साथ मेरे कोको होती है। अब कोको के बच्चे भी आ गए हैं तो जिंदगी में थोड़े और बहुत मजे आ जाएंगे। एक बात जो बहुत जरूरी है आप लोगों को बताना, वो ये है कि जितने भी बच्चे थे ये ऑलरेडी बुक्ड है। बुक्ड इस तरीके से है कि कुछ मेरे कजन्स ने बुक कर लिए, कुछ मेरे दोस्त यारों ने बुक कर लिए, कुछ फैमिली मेंबर्स ने बुक कर लिए, तो ये सारे बुक हैं। खुदारा मुझसे बच्चे मांग कर मुझे शर्मिंदा ना कीजिएगा। इसके साथ ही मैं अपने आज पहले व्लॉग को
एंड करता हूँ और आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को ज़रूर लाइक कर दें। आइंदा आने वाले व्लॉग्स को देखने के लिए साथ मेरे यूट्यूब पे बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मजीद आने वाले व्लॉग्स आप लोगों को पसंद आएँ और आप लोग देखते रहें। अब अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद नहीं आया तो मैं माजरा चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पहली ट्राई थी, जिंदगी का मेरा पहला व्लॉग था। अब इससे गुजारा चलाएं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। तो गाइस अल्लाह हाफिज़।